नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। आज का शॉर्ट ज्ञान वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरियाणा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है नया, किसको बनाया गया है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, हरियाणा में जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके चेयरमैन कौन बने हैं, इसके सीईओ कौन है। तमाम क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, वक्फ बोर्ड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, किसी भी धर्म के अंदर ये कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है दान कीजिए, क्योंकि दान करोगे तो आपको कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा। तो आप चाहे हिंदू धर्म की बात करें, हर धर्म में ऐसा होता है, हमारी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही क्या है, मुस्लिम धर्म के अंदर जो है ये लिखा हुआ है किताबों के अंदर कि आप जो है अल्लाह के नाम पे दान कीजिए, ठीक है। अपनी जो मतलब आपके पास बहुत सारी, जैसे आपके पास दो घर हैं, आपके पास ज़्यादा संपत्ति है, चल है, अचल है, कुछ भी, तो वो आप अल्लाह के नाम पे दान कर सकते हैं। फिर दान करने के बाद उस पे से आपका अधिकार हट जाता है, चाहे आपकी मृत्यु हो, चाहे आपके परिवार का कोई सदस्य उसको दोबारा से नहीं ले सकता। उसके अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे आप एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी आप देख सकते हैं ताकि लोग वहाँ पर जाके जो है ज्ञान ले सके, पढ़ सकें, आप अपना घर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और ये जो संपत्ति होती है, ये लोग जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है, समझ आ गए। अब क्या होता है, इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है ताकि उस चीज़ का मतलब जिन लोगों पे विश्वासी लोग होते हैं उन पे उनको एक एक बोर्ड बनाया जाता है ताकि उस चीज़ जो भी दान किया जाए उसकी देखरेख हो सके, ठीक है। तो ये है मतलब अल्लाह के नाम पे कोई भी दान करना, ऐसा इसके अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर होता है, ठीक है। अब हमारे हरियाणा के लिए इम्पोर्टेंट बात है कि अभी हरियाणा वक्फ बोर्ड का एक नया चेयरमैन नियुक्त किया गया, जाकिर हुसैन, जो पहले नू मेवात का जो पहले एमएलए होता था उसको बनाया गया, जाकिर हुसैन को, ठीक है। तो एक तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। अब इसका वक्फ बोर्ड की स्थापना होती है अगस्त 2003 में, ठीक है, और इसका मुख्यालय अंबाला के अंदर है। आप ये बोर्ड पे दिख रहे हैं, हरियाणा वक्फ बोर्ड अंबाला के अंदर है ये, ठीक है, पटेल मार्ग हो गया। और इसका जो मुख्यालय अंबाला हो गया, सीईओ कौन है, हनीफ कुरैशी है। तो ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो आई थिंक आपको पसंद आया होगा, तो जितना हो सके लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।